ये क्या है? चाचू ये गोला है। गोला है। ये क्या है? चाचू ये त्रिभुज है। त्रिभुज है। त्रिभुज है। यस। ये क्या है? ये चतुर्भुज है। ये आयत है। आमने सामने की जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको आयत कहते हैं। आप लोग तो भूल जाते हो। ये चतुर्भुज हुआ। तो आपके पास क्या क्या है? एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, एक आयत है और एक चतुर्भुज है। अब ये चारों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अब इसका संयोजन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे रितेश? जरा बना के देखो। इन सबको संयोजित करके बनाएंगे आप लोग। रितेश बना? हाँ चाचू। क्या बनाया रितेश? ये क्या आकार बना बता सकते हैं आप? ये क्या बना है इनको मिला के? तो कौन सी आकृति बनी आप बताएं। तनु आप बताएं क्या बन सकता है, क्या समझो सकती हैं आप इनसे? चाचू ये तो मकान की तरह लग रहा है। हाँ ये घर की तरह कुछ कुछ लग रहा है। ये क्या बना? ये तो त्रिभुज बना। त्रिभुज बना। अब हम बनाते हैं चतुर्भुज। ये क्या बन गया? ये चतुर्भुज। चतुर्भुज बन गया। अब हमको आयत भी बनाना है, ठीक है? आयत भी बन गया। वो वृत्त जो है, जो गोला है, वो हम कहाँ पे बनाए तो अच्छा लगेगा चाचू? हाँ? उस ऊपर वाली रेखा पे। इस जगह? हाँ चाचू। अच्छा लो आप कहते हैं तो हम बना देते हैं। तो ये क्या बना भैया? चाचू ये तो मकान बन गया। ये घर बन गया। घर बन गया है? ये घर बन गया। अब हम इन्हीं को इस घर में और इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को हम इस घर को खूबसूरत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये सब क्या है? ये सब त्रिभुज ही तो है भैया। हाँ चाचू। है ना? हाँ चाचू। अच्छा, ये सब त्रिभुज है। ये सब त्रिभुज है। अब देखो हम अपना घर और सुंदर बनाएंगे। ये आयत ही तो है सब। हाँ चाचू ये सभी आयत। ये क्या बना फिर आयतों से? सीढ़ियां। ये सीढ़ियां बन गई। अब देखिए ये देखो वृत्त से फूल बन गए तो हमारा घर और सुंदर लगने लगा। ये जो त्रिभुज बना है ये देखना अभी, ये एक आपका त्रिभुज बना, एक ये आपका त्रिभुज बना। अब जरा गौर से देखना। ये एक तितली बन गई। हाँ चाचू ये तो तितली बन गई। तो तितली किससे बनी? त्रिभुज से हमने बना लिया। त्रिभुज से, ठीक है ना? अब पक्षी देखो कैसे बनाएंगे। पक्षी का होगा ये तरीका। ये कौन सा तरीका है? ये तरीका हमने वृत्त से लिया, ठीक है? ये जो लाइनें हैं आपने देखा, ये भी गोल है और ये भी गोल है। हाँ चाचू। है ना? गोलाकार है। तो
ये पक्षी आपका जब बना ये बन गया देखो, तो ये हमने लाइनें कहां से ली, ये वृत्त से, वृत्त से। तो आपने क्या देखा, क्या सीखा कि वृत्त, त्रिभुज, आयत और चतुर्भुज से एक आपने सुंदर सी आकृति बनाई। ठीक है, एक अच्छा सा आपने उन चीजों को संजो के एक घर का आकार दे दिया और अपने घर को उन्हीं आकृतियों से सजा भी लिया। चाचा, माँ थाली भी तो अच्छा सजाती है। ये भी एक संयोजन होता है, ठीक है ना। तो जितने अच्छे ढंग से हम थाल को सजाएंगे, खाने वाला उतने ही चाव से खाएगा। किन्हीं चीजों को सुंदर ढंग से सजाने को संयोजन कहते हैं।